सबसे पहले पंजाब वाले लोग जहां भी ग्राउंड में है वो गुरु रविदास महाराज को मान कर बैठेंगे। पंजाब वाले लोग जहां भी गुरु की संगत को गुरु रविदास महाराज को मानते हैं स्टेज पे बैठेंगे। सबसे पहले पंजाब वाले, उसके बाद हरियाणा वाले, हरियाणा से जो संगत आई है वो सब बैठ जाए। क्यों बैठ जाए, क्यों बैठ जाए, सवाल ये है क्यों बैठ जाए? क्योंकि बाबा जी दो मिनट बैठ जाओ। अगर आपने जो तुगलकाबाद का मंदिर है वहां पे कोई बाथरूम नहीं था, वहां पे कोई कमरा नहीं था, लेकिन संत महापुरुष वहां पे 2 महीने बैठे ऐसे ही धूप में। आज फैसले का समय आया है। संत वीर सिंह जी अधिकारी स्टेज चला रहे हैं, इसकी गवाही संत पाल महाराज जी कर रहे हैं। अगर आप लोग आप में से कुछ शरारती लोग इस स्टेज को खराब कर रहे हैं, आप सुनिए, आप आदिवासी हैं, आप मूल निवासी हैं, आप आदिवासी हैं, आदिवासियों में मूल निवासियों में हम सभी आते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि भगवान वाल्मीकि के अनुयायियों को यह सम्मान नहीं मिल रहा है तो ऐसी बात नहीं है, आप गुस्सा मत होइए। भगवान वाल्मीकि का सम्मान भी उतना ही है जितना गुरु रविदास का है। अभी अभी ताली मारने की जरूरत नहीं है, आप शेम शेम करो कि हमारा मंदिर टूटा है। शेम 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 शेम। अब मैं दिल्ली वासियों को कहूंगा कि जहां भी खड़े हैं और वो उनकी बारी है कि वो भी बैठ जाए। दिल्ली वासी, दिल्ली के लोग, दिल्ली की संगत बैठ जाए, दिल्ली की संगत बैठ जाए। दिल्ली वाले बैठ जाए भाई, दिल्ली वाले। अच्छा, अभी यूपी वाले बैठ जाए, यूपी के संगत आई है यूपी से। और उसके बाद सबसे अपील है कि ये समागम, ये रोज प्रदर्शन आज महापुरुषों का है, ये किसी एक गुरु का नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।